हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से, हम लोगों की दुआ है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी ये प्रोडक्ट किस तरह से आपके हेयर फॉल में एंड आपके स्कल में किस तरह से काम करता है। तो प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें फ्रेंड्स। लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंद्रलेखा ब्रिंगा ऑयल एंड आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज मेडिसिन। ये ऑयल इस तरह से आता है, आपको पैकेजिंग आपको बता दूँ। फर्स्ट इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसकी पैकेजिंग एक कर्बो बॉक्स में आती है। आपको इस तरह से बॉक्स के अंदर ये वाला बॉटल रहता है। ये बॉटल है प्लास्टिक का एंड ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है गाइस, आप देख सकते हो। गोल्डन कलर का ये बॉटल है प्लास्टिक का एंड ये आपको कैप के साथ अटैच है। ये कोन जो कि यहाँ पर छोटे छोटे होल्स हैं जहाँ से आप जब आपके स्कैल्प पर आप तेल लगाओगे तो इसको है ना इस तरह से लगाओगे तो यहाँ से तेल आपको आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूँ फर्स्ट इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 432 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ यहाँ पर मेंशन है, आप देख लीजिए। एंड इसकी जो नेट क्वांटिटी है 100 ml आपको 432 रुपीज़ में 100 ml आपको मिल जाएगा और उसके साइज़ भी अवेलेबल है अभी प्रेजेंटली। लोकल स्टोर में भी आपको मिल जाते हैं, कहीं भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको छोटा वाला लेकर ट्राई करके देखना है तो आप मंगा सकते हैं। एंड आपको ये अगर आप ऑफ़र में लेना चाहते हैं, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पे नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दूसरे वेबसाइट पर भी आई थिंक अवेलेबल होगा, तो वहाँ से मंगा लीजिए। आई थिंक अगर आपको हो सके तो 350-360 तक भी आपको मिल जाएगा तो आपको थोड़ी बहुत बचत हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मैं बात अब आपको बता दूँ ऑयल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये इस्तेमाल कर बहुत दिन हो चुका है तो इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये वाला ब्लॉग लेकर आई हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, जो भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ अगर कुछ प्रोडक्ट का, तो मैं फर्स्ट यूज़ करती हूँ देन उसके बाद रिज़ल्ट देखने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आप कौन सा भी आप शैम्पू हो या फिर तेल हो तो कंटिन्यू उसको वही लगाइए जब तक आपको उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यू 3 months आप यूज़ करके देखिए अगर आप ऑयल का यूज़ कर रहे हो तो। ये ऑयल आपको किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बता दूँ। आपके ज़्यादा हेयर फॉल हो रखे हैं तो आपके हेयर फॉल मतलब ज़्यादा जा रहे हैं, जब आप हेयर वॉश कर रहे हो तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आप कोन कर रहे हो, ऑयलिंग लगा रहे हो तो उस टाइम पर भी आपको हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये वाला आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्योंकि ये मतलब मेरे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रखे थे, मैं हेयर वॉश करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा था तो मैं ये वाला ट्राई करना स्टार्ट कर दी, देन उसके बाद मेरे हेयर फॉल में डिफरेंट देखने को मिला है फ्रेंड्स, रियली बता रही हूँ मैं आप लोगों के साथ ये रिव्यू। एंड मैं आपको बता दूँ ये इस जो इसका ऑयल का जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा लिटिल बिट मतलब जैसे पैराशूट होता है या फिर दूसरे ऑयल्स होते हैं उस तरह उसी तरह का है, पर इसका जो कलर है थोड़ा सा मतलब लाइट येलो कलर में है क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक है, तो आपको बता दूँ उसमें थोड़ा सा इसी तरह का कलर का है फ्रेंड्स। और जो इसकी फ्रेगनेंस की बात करते हैं तो फ्रेगनेंस मतलब बराबर ही है और इसके जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पर पूरे इंग्रेडिएंट मेंशन है, आप देख सकते हो टोटली मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ इसके साथ मैं सेम ही इंद्रलेखा का शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे है ना जब भी मैं हेयर वॉश करती थी तो मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रखे थे तो इस वजह से मैं है ना मतलब दूसरे मैंने ब्रांड्स के शैम्पू बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके तो उसमें कोई भी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ट्राई करूँ, तो इस वजह से मैं ये वाला शैम्पू मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ तो उसका भी रिज़ल्ट मैंने देख ली, तो उस वजह से मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आप वो भी ट्राई करके देखिएगा, इस छोटा वाला मंगा कर आप लोगों को अच्छा लगता है मतलब आपके हेयर फॉल को थोड़ा बहुत कंट्रोल मतलब हो जाते हैं आपके हेयर फॉल, तो वो वाला आप ट्राई कर सकते हो कंटिन्यू। आप मतलब कंटिन्यू ट्राई करके देखिए, कौन सा भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो या फिर ऑयलिंग यूज़ कर रहे हो तो 3 महीने कंटिन्यू उसको ट्राई करके देखिए क्योंकि आपको 3 महीने के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए आओ, अगर हम 10 दिन लगा रहे हो, 15 दिन लगा रहे हो, 20 दिन लगा रहे हो, हमारे हेयर फॉल में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कौन से भी चीज़ उसको प्रॉपरली मतलब आप यूज़ कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दी गई, आपको ये अगर लेना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बाय कर लीजिए, आपको ऑफलाइन मिल जाएगा कहीं भी स्टोर्स में। उसमें छोटा वाले 3 साइज़ में अवेलेबल आई थिंक होंगे,
क्योंकि मैंने वाला जो बीच वाला जो साइज़ था तो आई थिंक 50 ml का या फिर 25 ml का, आई थिंक मुझे याद नहीं है, तो वो वाला मैंने ट्राई करके देखना था, तो मैंने ट्राई कर ली, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं बड़ा वाला मंगाई। तो गाइस अभी मैं यही कंटिन्यू करूँगी आगे भी, और इससे पहले भी मैंने दूसरा वाला आयुर्वेदिक का मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ लास्ट वीडियो में भी, तो वो वाला भी बहुत ही अच्छा ऑयल है गाइस, तो ये वाला मैं भी अभी कंटिन्यू इसको करूँगी, और इसका शैम्पू भी मैं वही कंटिन्यू करूँगी आगे भी। अगर आप ले सकते हो तो ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है ये वाला इंद्रुलेखा बेंगा ऑयल। मैं देखो और एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ कौन सा भी, मतलब अगर देखिए हर किसी का स्कैल्प अलग होता है और हर किसी की स्किन अलग होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्कैल्प पर मतलब कोई इचिंग हो या फिर मतलब कुछ भी इस तरह से अलग अलग इशू होते हैं, तो आपको अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोगों की मर्ज़ी, अब मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूला फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अभी के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना, टेक केयर।